नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि जो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट दिए जाते हैं आपको वेट लॉस के लिए, वो फर्स्ट मंथ में कौन से बेसिक रहते हैं, सेकंड मंथ में कौन से रहते हैं और थर्ड मंथ में कौन से रहते हैं। क्योंकि जनरली दोस्तों जो वेट लॉस के प्रोडक्ट हम दिए जाते हैं वो 3 मंथ के हिसाब के कोर्स के हिसाब से दिए जाते हैं, क्योंकि 3 मंथ में क्या है आपका वेट मेंटेन करना भी बता दिया जाता है और वेट लॉस का प्रॉपर तरीका जो प्रोसेस है वो उसमें बता दिया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ जो आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं बेसिक में वो क्या है, सेकंड मंथ क्या है और थर्ड मंथ क्या है। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है आधी आधी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और इस वीडियो में आपको प्रॉपर जो तीन मंथ का जो कोर्स है उसकी प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग लोग 95% लोग वेट लॉस करते हैं। और जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ 3 मंथ का बेसिक, ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए, यानी जिसका वेट बढ़ा हुआ है लेकिन उसको कोई बीमारियाँ नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती है, शुगर होता है उनको, कोलेस्ट्रॉल रहता है या उनके हार्मोन इंबैलेंस रहते हैं या थायराइड होती है, उन लोगों के लिए नहीं है जो नॉर्मल हैं, बस उनका वेट बढ़ा हुआ है लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए डाइट प्लान है दोस्तों। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ हर्बल लाइफ के कौन से लगेंगे, तो वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, पहले मंथ में जो बेसिक प्रोडक्ट लगते हैं उसमें एक तो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक आती है हर्बल लाइफ की, जो कि दिन में 3 बार ली जाती है, ठीक है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है फॉर्मूला 1 शेक। ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, आपको पता होगा मैंगो भी फ्लेवर में आता है, चॉकलेट भी आता है, रोज़ खीर भी आता है और कुल्फ़ी भी आता है, ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर हैं इसके, जो आपको अच्छा लगे वो फ्लेवर आप ले सकते हैं। 500 ग्राम का आता है दोस्तों ये, सेकंड ये प्रोडक्ट है। थर्ड आपके जो है वो है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का भी आता है, 400 ग्राम का भी आता है, आपको शेक के अंदर मिला। दोस्तों शेक के अंदर मिलाने से क्या होता है कि ये मतलब अच्छे से आप उसमें मिल जाता है और आपको ब्रेकफास्ट के रूप में इसको लेना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये 300 ml पानी के अंदर मिलाना होता है। इसमें दोस्तों आपको जो कोचेस बताते हैं कि 2 स्पून भी मिला के ले सकते हैं फॉर्मूला 1 की और 1 आप प्रोटीन की मिला के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप 3 स्पून आप फॉर्मूला 1 की और 1.5 प्रोटीन की मिला के ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये सुबह आपको ब्रेकफास्ट में लेना होता है 300 ml पानी में, या तो मिक्सर में आप इसको मिक्स कर लीजिए या शेकर में मिक्स करके। और जिन लोगों को ज़्यादा वेट है वो रात को भी डिनर में यही शेक इसी प्रोसेस से बनाते हैं। और एफ्रेश 3 बार लेनी होती है आपके गुनगुने या गर्म पानी के अंदर, आपने 2 चम्मच या एफ्रेश की डाली, ऊपर से आपने पूरा 1 गिलास आपने गर्म या गुनगुना पानी डाल लिया और उसको अच्छे से हिला के पी लिया और कांच के गिलास में बनाना है। तो आपका ये दोस्तों फर्स्ट मंथ का जो बेसिक है वो मैंने बताया है। अब सेकंड मंथ क्या करना होता है, सेकंड मंथ में दोस्तों आपको एक तो क्या है फॉर्मूला 1 शेक आपको लेना है, प्रोटीन लेना है और आपको एफ्रेश तो लेना ही है, ये तो कंपलसरी है, ये आपके 3 मंथ चलेंगे। लेकिन सेकंड मंथ में आप सेलुलोज जरूर ऐड करें, सेलुलोज टैबलेट 90 टैबलेट्स आती है, जो कि आपके जो जिद्दी फैट है उसको घटाने में और दोस्तों बेली फैट को घटाने में और कभी कभी वेट स्टक हो जाता है यानी वेट लॉस होना रुक जाता है, तो उस कंडीशन में भी सेलुलोज बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आप सेकंड मंथ से सेलुलोज स्टार्ट कीजिए, इसमें 90 टैबलेट आएगी, रोज़ की 3 लेनी होती है। और आप सबसे बेस्ट है दोस्तों टाइमिंग इसका कि आप जब खाना खा लेते हैं उसके 15-20 मिनट बाद आप सेलुलोज लें। और यदि आपका वेट लॉस होना रुक गया है, फर्स्ट मंथ तो हो रहा था अब सेकंड मंथ रुक गया है, तो आप 15-20 मिनट पहले ले लें तीनों टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट से 15-20 मिनट पहले ले लिया, लंच से 15-20 मिनट पहले ले लिया और डिनर से 15-20 मिनट पहले ले लिया, इस तरीके से सेलुलोज लेनी है। एफ्रेश आपको वही दिन में 3 बार लेनी है, सुबह मॉर्निंग में आपको जब सुबह सोकर उठे 2 स्पून लेनी है गुनगुने या गर्म पानी में, 1 आप लंच के 1 घंटे बाद लेनी है आपको 2 स्पून करके कांच के गिलास में, 1 आप 4-5 बजे के समथिंग आप एफ्रेश लेनी है। और एफ्रेश लेते समय दोस्तों आप ध्यान रखें आपको चाय नहीं पीनी, चाय से दोस्तों वेट बढ़ता है, कैलोरी ज़्यादा होती है, तो चाय नहीं पीनी, उसकी जगह आपको एफ्रेश लेनी है और दिन में 3 बार ही लें, इससे ज़्यादा ना ले दोस्तों। अब आता है थर्ड मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि थर्ड मंथ क्या होता है, हमें जो हमने वेट लॉस किया उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, साथ ही आपका यदि वेट स्ट्रक हो गया है तो उसको मतलब स्ट्रक हुए हुए वेट को वापस से वेट लॉस करने का प्रोसीजर भी हमें करना होता है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, फॉर्मूला 1 शेक प्रो शेक ये आपको लेना है, ये ज़रूरी है, प्रोटीन ये ज़रूरी है,
एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक वही 3 टाइम लेना है और शेक आपको 2 टाइम लेना है यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है ज़्यादा, और यदि कम है तो 1 टाइम लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका वेट स्ट्रक हो गया है, वेट लॉस होना रुक गया है, तो 3rd मंथ में आप हर्बल कंट्रोल टैबलेट लें। हर्बल कंट्रोल टैबलेट 90 टैबलेट आती है, इसके अंदर जो सुबह का शेक पिए उसके 20 मिनट बाद आप 1 टैबलेट हर्बल कंट्रोल की लें। लंच करते हैं, लंच के 15-20 मिनट बाद 1 टैबलेट आप हर्बल कंट्रोल की लें। रात को डिनर शेक करते हैं तो उसके भी 15-20 मिनट बाद आपको 15-20 मिनट बाद ये 1 टैबलेट लेनी है, या फिर आप लंच करते हैं रोटी सब्जी खाते हैं तो उसके भी 15-20 मिनट बाद लेनी है। दोस्तों इसको खाली पेट नहीं लेनी, इसको बाद में ही लें, ये अच्छा वर्क करता है और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। अब 3rd मंथ आपको क्या करना है दोस्तों, 3rd मंथ मान लीजिए आपने 2nd मंथ तक आपने प्रॉपर वेट लॉस कर लिया, अब आपको मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन करने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग में आप क्या करिए, जैसे 2 टाइम शेक ले रहे थे तो फिर धीरे धीरे 1 टाइम शेक पर आएँ, और रात का जो खाना है वो हैवी ना लेकर। दोस्तों आप जैसे कि जो सूप होता है, टमाटर सूप, वेजिटेबल सूप, वो रात को आप ले लीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट में आपको शेक लेना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो सुबह शेक लेंगे वो अच्छे से पच भी जाएगा, और रात को आप सूप वूप लेंगे तो वो नॉर्मल आपकी डाइट होगी और आपका पेट भी भर जाएगा। तो आप इस तरीके से लीजिए, पहले आप क्या करिए 1 टाइम शेक पे आइए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप जो मतलब आपको फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन ट्राई करना है, ठीक है, शेक को 1 दिन छोड़कर 1 दिन, फिर 2 दिन छोड़कर 1 दिन लेना है, फिर 3-4 दिन छोड़कर 1 दिन लेना है। ऐसे आपको पूरे मंथ ऐसे करना है दोस्तों, यदि आपने 2 मंथ में वेट लॉस कर लिया तो, और यदि 2 मंथ में आपका वेट लॉस नहीं हुआ दोस्तों तो आप क्या करें, 3 मंथ तक आप उसको प्रॉपर लीजिए, 4th मंथ से ये प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए, आपका वेट लॉस जो हुआ है वो प्रॉपर रहेगा दोस्तों। और घरेलू डाइट पे आइए दोस्तों, घरेलू डाइट यदि आपको चाहिए, यदि डाइट प्लान, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको प्रोडक्ट भी चाहिए हर्बल लाइफ के डिस्काउंट पे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको डिस्काउंट में भी प्रोडक्ट उपलब्ध करा दूँगा। तो आप क्या करें, घरेलू डाइट पे आएँ और ज़्यादा कैलोरीज की डाइट नहीं लें दोस्तों। उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके आपका जो वेट आपने लॉस किया है वो प्रॉपर तरीके से लॉस रहेगा, और फिर शरीर को हैबिट हो जाती है, हम जितना खाते हैं, मान लीजिए आज हम 4 रोटी खा रहे थे, बहुत टाइम से खा रहे हैं, तो हमें 4 रोटी की आदत हो गई, अब हमने थोड़ा वेट लॉस करने के हिसाब से 3 रोटी पाए, और धीरे धीरे बहुत टाइम तक हम 3 रोटी पे ही रहे, तो हमें वो 3 रोटी में हमारा पेट भर जाएगा, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत नहीं होती हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं यदि हम उस पर ध्यान नहीं देते तो। हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं और हम मतलब मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारा वेट बढ़ाती है। तो आप जैसे जैसे ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे हर्बल लाइफ का, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या चीज़ खानी चाहिए, तो उससे क्या आपको मेंटेन करना भी आ जाएगा। तो आप घरेलू डाइट पे आइए 3rd या 4th मंथ में जो मैंने बताया आपको, और आप देखिएगा कि आपका मेंटेन करना आ जाएगा। आप 6 महीने तक यदि घरेलू डाइट पे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा, और जो आपका मतलब वेट बढ़ा हुआ था दोस्तों और आपने कम किया था वो फिर से बढ़ेगा नहीं दोस्तों। तो आप ऐसे मेंटेन कीजिए, और आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से मैं बताऊं वेट लॉस पे कि कैसे मेंटेन करना आना चाहिए आपको, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करिए, मैं एक प्रॉपर बताऊंगा महीने के अकॉर्डिंग कि इस दिन आपको ये खाना चाहिए, इस दिन ये खाना चाहिए। आप यदि बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर यदि 500 लाइक कर देंगे आप, तो मैं जल्दी वो वीडियो बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वेट लॉस कैसे करना है हमें, और हमें घरेलू डाइट पर कैसे आना है जिससे हमारा वेट मेंटेन रहे। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में अपना वेट बताइए, आपका कितना वेट है और आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने वेट को, या फिर आप कौन कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं हर्बल लाइफ के, कितना टाइम आपको लेते हुए हो गया और आपने कितना वेट लॉस किया, तो वो भी आप मुझे बताइए। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं डेली वेट लॉस से रिगार्डिंग वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होती है, उनका वेट लॉस भी होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।